CIA ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ CIA ਸਟਾਫ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ 9 ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਭਗੌੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ SSP ਅਲਕਾ ਮੀਨਾ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 2009 ਵਿੱਚ ਉਕਤ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਉਪਰੰਤ ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। CIA फतेहगढ़ ने जो है एक बड़ी उपलब्धि हासिल करते हुए राजू राजकुमार उर्फ राजू, ये गैंगस्टर है चैला वाली मानसा का रहने वाला, इसको काबू किया है और इसके ऊपर काफ़ी सारे संगीन अपराध इसके ऊपर रजिस्टर्ड हैं, जिसमें एक कत्ल का मुकदमा भी है। और ये कत्ल जो है पूर्व मिनिस्टर तेजा सिंह ढिल्लों के बेटे संदीप ढिल्लों उर्फ बॉबी ढिल्लों का था, जो उसने एक जमीनी विवाद के चलते हुए उसका मर्डर कर दिया था 2009 के अंदर। बाद में ये पैरोल से भाग गया था 2012 में, बाद में ये एक NDPS केस में पकड़ा गया और जब होशियारपुर से इसको मानसा में पेशी के लिए लाए थे तो वहाँ से ये पुलिस पार्टी को पुलिस कस्टडी से मतलब चकमा देकर पुलिस पार्टी को भाग गया। उसके बाद से ये फरार था और कई सारे केसेस में, लगभग 9 केस में ये PO है। इस पुलिस कस्टडी से जब ये चकमा दे के भागा उसके बाद इसने कई बड़ी सारी वारदातें करी हैं, जिसमें इसने गन पॉइंट पे व्हीकल स्नैचिंग करना और किडनैपिंग करना, रैनसम डिमांड करना, साथ ही जो है कई गन पॉइंट पे जो है कैश स्नैच करना, इस तरह की कई सारी इसने बड़ी वारदातें की हैं। सो इसको आज अरेस्ट करके एक बड़ा काम CI इंचार्ज फतेहगढ़ ने किया।